सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6,000 रुपये के स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, 6,000 रुपये का बजट एक ऐसा बजट होता है जो ना बहुत हाई होता है ना बहुत लो बजट होता है। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाए जिसमें कैमरा ठीक ठाक मिल जाए, बॉडी, डिस्प्ले, प्रोसेसर या फिर और भी चीज़ें, बैटरी बैकअप हमको काफ़ी अच्छी मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है जो कि आपको लेना चाहिए। तो वन बाय वन आपको 3 स्मार्टफोन बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, वन बाय वन आपको बताया गया है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 की, उसके बाद आपको बताएंगे नंबर 1 के बारे में। ये सभी स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, जो कि लगभग 5,500 से 6,000 रुपये के बीच में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो कि इंडियन कंपनी है। जैसा कि इंडिया चाइना अभी काफ़ी सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं आपको इंडियन कंपनी बात कर रहा हूँ जो कि है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स i1। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बेसिकली फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, जो कि लगभग 5,999 रुपये के बजट मिलेगा। 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी, देखने में फ़ोन भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात कीजिए इसके और भी स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 5.5 इंच का आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पे 5 MP बैक कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 2200mAh की बैटरी। तो ये चीज़ें आपके लिए एक नॉर्मल स्मार्टफोन हो सकता है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं जो कि लगभग 5,000 से 6,000 रुपये बजट होने वाला है, तो माइक्रोमैक्स i1 आपके लिए बेहतर हो सकता है, जहाँ पे आपको नॉच डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि आपको आईफोन 11 या आईफोन X में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, तो दूसरे नंबर पे आता है लावा की तरफ से, लावा Z61। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज के साथ मिलता है, जो कि प्राइस लगभग सेम है, 5,999 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलता है, डिज़ाइन मिलता है, वो ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, फिनिश काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर यहाँ पे बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको 5,999 रुपये में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो 5.5 इंच का HD+ डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, 8 MP बैक कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 3000mAh की बैटरी, 1.5 GHz का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये स्मार्टफोन भी ठीक हो सकता है। अगर आप डिस्प्ले या फिर स्क्रीन डिस्प्ले बॉडी अच्छा लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, जहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अगर बात कीजिए यहाँ पे जो कि मेरा आता है नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे आता है रेडमी की तरफ से, Redmi 7A, जो कि आपको लगभग, यहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा हूँ, जो कि लगभग आपको 6,400 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अभी सोल्ड आउट दिखा रहा है। लेकिन आप आसानी से ले सकते हैं, जैसे ही 2 से 4 दिन में इसकी सेल आएगी, आप आसानी से इसको ले लेंगे। जो कि ओवरऑल अगर बात की जाए 6,000 रुपये के स्मार्टफोन में, तो आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, जहाँ पे आपको 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज मिल जाती है। ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी है, लुकअप काफ़ी अच्छा है, रेडमी ब्रांड मिल जाता है Xiaomi का। अगर यहाँ पे बात की जाए डिस्प्ले की, तो 5.5 इंच 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले, 12 MP का बैक कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 4000mAh की बैटरी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर हो सकता है, जहाँ पे आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, 4G सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा 6,000 रुपये का बजट एक ऐसा होता है जहाँ पे हमको, मतलब कि इंट्री लेवल स्मार्टफोन चाहिए होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए जो हमारे लिए यूनिक हो, जहाँ पे हमको अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 3 स्मार्टफोन बताया, जो कि सभी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, Redmi 7A, लावा की तरफ से लावा Z61 और माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स i1। अगर यहाँ पे बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप इंडियन कंपनी लेने जा रहे हैं, तो लावा Z61 आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, फिनिश काफ़ी अच्छा मिलेगा, लुक भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मात्र 6,000 रुपये के बजट में मिलेगा। अगर आप चाइनीज में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे Redmi 7A देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi की तरफ से आता है, जो कि काफ़ी डिमांडेबल फ़ोन है, काफ़ी बिक्री हुई है। यहाँ पे अगर आप इसकी रेटिंग देखेंगे, तो लगभग 4 से 5 लाख आपको रेटिंग दिखाई देगी, तो मतलब समझ सकते हैं इसकी सोल्ड आउट कितनी ज़्यादा है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।